बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2.28 से हमने स्टार्ट लेने हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास डायग्राम थे, अब हमारे पास ग्राफ्स आ रहे हैं जो कि आपके पास आएंगे अब नेक्स्ट 2.28 से। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ग्राफ एंड डायग्राम कम भी बनाने के लिए आते हैं हम, बार डायग्राम, सिंपल बार चार्ट इस तरह के आपको दे सकते हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए दे सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सबकी करनी है, आपने स्किप कुछ भी नहीं करना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप बुक में देखोगे कि 2.28 जो क्वेश्चन है वो कहते हैं स्टेट द जनरल रूल्स विच शुड बी बॉर्न इन माइंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपको ग्राफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस दे दिए गए और ईयर्स दिए गए। आपको पता है एक्स एक्सिस पे आप ईयर लेते हो, वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, एक स्केल सेलेक्ट करके उस पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो शो ऑफ करने। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने शो कर लिया है कि हमारे पास हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाने एंड शोइंग द ग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जहाँ पे जो जो वैल्यू आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हमने प्रॉपर स्केल लेते हुए, ये हमने 1000 लिखा है, ठीक है, यहाँ 2000, 4000, 6000, 8000, तो जहाँ जहाँ जो वैल्यू आ रही है उसको पहले आप डॉट से ये करोगे, उन डॉट्स को एट द एंड आप क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, मिला लोगे। अब ये हमारे पास एक्सपेंसेस वाले हैं और ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है उसके वाले डॉट्स हैं। इन डॉट्स को जब आपस में मिलाओगे तो आपको समझ लग जाएगी कि एक्सपेंसिस कितने थे और हाउ मैनी वी हैव द प्रॉफिट, तो वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल हिस्टोग्राम आपने बनाना। सेकेंड, आप देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ रहा है 2.32। 2.32 में आपने क्या करना है, अच्छा इससे पहले जो 2.9 है क्वेश्चन वो भी आप देखो, वो कहते हैं शो ग्राफिकली इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आपने बतानी है, मंथ आपको गिवन है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दी गई है, और ये भी आपने हिस्टोग्राम ही बनाना है सेम इसी पैटर्न पे। इसी तरह 30 में आपने क्या करना है, वो यहाँ पे नहीं गिवन लेकिन मैं आपको बताती जाती हूँ, सेम आपने इसी पैटर्न पे ड्रॉ करना है। 30 में भी आपने जी हिस्टोग्राम ही बनाना है और उसमें हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, आप उसको ड्रॉ करते जाना और आपने वैल्यूज ले लेनी है। 31 में भी सेम आपने यही करना है हिस्टोग्राम के लिए, और क्लास इंटरवल्स आपने बनाने हैं, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम, तो वो भी मैंने आपको मेथड बताया हुआ। अगर आप इंपॉर्टेंट ये देखोगे ना जाके प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मैंने सारा आपको समझाया हुआ है कि अगर इक्वल इंटरवल हो तब हम किस तरह हिस्टोग्राम बनाते हैं, अगर अनइक्वल हो तब किस तरीके से बनाते हैं। 32 में हमें बताया गया है कि हिस्टोग्राम क्या है और इसको जो हमने सॉल्व करने हैं, हमें नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं मेथड व्हेन इंटरवल्स आर अनइक्वल। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पार्ट सी है ना वो हमें दिया गया है, हमें दिया गया 1 से 50, 51 से 100, 101 एंड 1। अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनल हाइट बतानी है। तो देखिए क्लास बाउंड्रीज क्या है कि जो आपके अगर 1 से 50 है ना, तो आपने क्या करना है, 1 में से 0.5 माइनस कर देना और यहाँ 0.5 ऐड कर देना। तो वही काम उन्होंने किया, माइनस किया तो 0.5 आ गए, यहाँ ऐड किया तो 50। इसी तरह हम प्रीवियस में करते जाएंगे, बाकी क्लासेस उन्होंने गिवन दी हुई। क्लास इंटरवल आपने चेक करना है कि इनके दरमियान कितने हैं। आप देखोगे यहाँ पे क्लास इंटरवल आपके पास पता चल जाएगा आपको 50, 50 और 100, 100। फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी गिवन है आपके वैल्यू। अब प्रोपोर्शनल हाइट फाइंड करनी है। प्रोपोर्शनल हाइट स्टूडेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपके पास जब टोटल फ्रिक्वेंसी करोगे ना तो 440 आ जाएगा। 440 जब आएगा तो आपने क्या करना है, 10 को डिवाइड करना 440 पे आ जाएगा, 15 को डिवाइड करना 440 पे आ जाएगा, 30 को डिवाइड करना 440 पे आपके पास प्रोपोर्शनल हाइट्स जो हैं आ जाएंगी। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, अपनी क्लास बाउंड्रीज एक्सेस पे ले लेते हैं और ये अप्रोप्रिएट स्केल ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है जहाँ जहाँ पे आ रहा है आप इसको बनाते जो कंस्ट्रक्ट करते जो हिस्टोग्राम बनता जाएगा। हिस्टोग्राम आपके पास 3.4 में भी सेम ऐसे ही है, जहाँ पे हमें दिया गया है कि जो हिस्टोग्राम जहाँ पे एज, नियरेस्ट बर्थडे है, नंबर ऑफ मेन आपको गिवन है और आपने एज यहाँ पे लेनी है, नंबर ऑफ मेन जो है आपने ड्रॉ करनी है और आपके पास आंसर। 2.36 में भी सेम ही आएगा, बाकी जो स्किप होते जा रहे हैं ना वो आपके पास के हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अच्छा, उज्जैव वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,
इसमें भी आपको आप देख लें कि वेट्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो जो अपर क्लास बाउंड्रीज है ना वो आपने लेनी है। अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है तो आप खुद अपर क्लास बाउंड्रीज ले लो, ठीक है। आपने 0.5 ऐड करना होता है, उनको डॉट्स के जरिए आपने शो करना है, उन डॉट्स को मिलाना है तो आपके पास ओजीव आ जाएगा। इसी तरह सेम आपने 37 के लिए भी करना है, कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व है, वहाँ पे आपके फ्रिक्वेंसीज को कैम्युलेट करते जाना है और डॉट्स के जरिए शो करते जाना है, तो यह भी आपके पास जो है कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व जो है वो शो हो जाएगा। देन आपके पास क्या है, वो कहते हैं जी आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, वो आपको टेपर टक गिवन है, आप अपर क्लास बाउंड्रीज उन्होंने दी गई हैं 5, 10, 15, 20, या आपको खुद बुक में गिवन है, एफ भी आपको बुक में दे दिया गया है। टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने नोट करनी है, तो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप इनको ऐड करते जाओगे, 40, 28 में 45 को ऐड करोगे, ठीक है, और हमारे पास फिर जो ऐड करोगे 81, ये अब आज के ना जो फ्रीक्वेंसीज है ना ऐड की हुई है, आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली, ये कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि आपको दे दी गई। जब हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली, आपको पता है ये इसी तरह ऐड करके हम ले रहे होते हैं ना, अब यहाँ से अगर ऐड करते हो आप माइनस करते जाओगे तो आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, 45 में से 28 माइनस करोगे 17 आ जाएगा, 81 में से 45 माइनस करोगे 36, जिस तरह हम नेक्स्ट कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको ऐड करते जाते थे, फ्रीक्वेंसी में अगर सेपरेट निकाला है तो उसको माइनस करते जाओ, 143 में से 81 माइनस करो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 280 में से 143 माइनस करो तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। इस तरह आपने सॉल्व करते जाना, और यही फ्रीक्वेंसीज अगर आपने ड्रॉ करनी है आपके हिस्टोग्राम में, तो एक्स एक्सिस पे आपने अपनी अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है, वाई एक्सिस पे जो आपको डेटा गिवन है आप बनाते जो आपके पास ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन स्किप करवाए हैं वो आपके पास थ्योरी है, और थ्योरी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी आपकी तमाम कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।